नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का विषय जीव विज्ञान अध्याय 1 जीवों में जनन। इसकी पहली वीडियो जिसमें हमने अलैंगिक जनन के विषय में पढ़ा था वो आप पहले देख चुके हैं और ये इसका पार्ट 2 है। इसमें हम कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियाँ पढ़ी थी जिसमें मुकुलन था, स्पोरुलेशन था और इंसेस्टेशन था। तो इस तरीके से बहुत सारी उसमें विधियाँ थीं और आज जो हम पढ़ेंगे यह है कायिक प्रवर्धन। यानी कायिक का मतलब पौधे के किसी भी भाग से एक नए पौधे का निर्माण हो जाना कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। पौधे की पूरी बॉडी जो है जिसमें जड़ तना पत्ती होते हैं उसे कायिक भाग कहते हैं। यानी उसकी पूरी बॉडी को कायिक बोलते हैं, वेजिटेटिव बोलते हैं। तो उसके किसी भी भाग से नए पौधे के निर्माण को कहते हैं कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन उसके जड़ द्वारा हो सकता है, पौधे के तनों द्वारा हो सकता है, पत्र कलिकाओं द्वारा हो सकता है या पत्तियों द्वारा भी हो सकता है। तो जड़, आपने पौधों की जड़ देखी होगी, पौधों की जड़ कैसी होती है, जो ज़मीन के अंदर रहती है वो पौधों की जड़ होती हैं। और जड़ दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है मूसला जड़, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा मूसला जड़, और दूसरी होती है अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ जो जड़ भूमि के अंदर को चलती है इस टाइप से वो होगी मूसला जड़, और जो जड़ भूमि के ऊपर को आ जाए निकलकर वो होती है अपस्थानिक जड़ या एडवेंटिटियस रूट्स। तो इस तरीके से दो प्रकार की जड़ होती हैं जो आपने 11वीं में पढ़ी थी। तो दोनों के द्वारा ही एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन हो सकता है। तो जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे जड़ों द्वारा किसमें होता है प्रोपेगेशन, शतावर, शकरकंद, डहलिया। शकरकंद जो आपने खाई होगी, आपने अच्छी तरह से देखी होगी, जानते हैं आप उसमें क्या होता है। शकरकंद क्योंकि ये एक जड़ है, यदि उसको बो दिया जाए तो उससे नई शकरकंद या नया पौधे का विकास उससे हो जाता है। इसके बाद है तनों द्वारा। तो तने जो होते हैं पौधे के, एक तो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन्हें तना कहते हैं, वो तने होते हैं, देखे होंगे आपने। लेकिन कुछ तने क्या होते हैं, कुछ तने रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे आलू। आलू आप सब्जी के रूप में खाते हैं, सबने देखा होगा। तो आलू ना तो फल है ना सब्जी है, जीव विज्ञान की भाषा में आलू तना है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम में कि आलू निम्न में से क्या है, तो उसमें लिखा होगा तना है, जड़ है, पत्ती है, सब्जी है या फल है। तो आप क्या लगाएंगे उसमें, आलू जो है वो क्या है, एक तना है। यानी तना क्या हो गया, आलू जो है वो एक तने में रूपांतरित हो गया। तो इस तने द्वारा, आलू द्वारा क्या होगा, जैसे आलू को यदि बो दिया जाए तो उससे नया आलू का पौधा विकसित हो जाता है। तो यानी आलू क्या है, आलू तना है। ऐसे ही आलू तना है, ऐसे ही जड़ों में जैसे शकरकंद है, डहलिया है, तो जड़ यदि इसको लगा दी जाए, जड़ को शकरकंद को लगा दी जाए, तो ये क्या है, ये भी इससे नए पौधों का विकास हो जाता है। इसके बाद तनों द्वारा में क्या है, प्रकंद है। प्रकंद कहते हैं किसी नए पौधे से छोटी सी कलिका का विकास होना। तो प्रकंद में क्या है, अदरक, हल्दी, केला। अदरक, हल्दी, केला में, केले का पेड़ आपने देखा होगा, केले की जड़ से या तने से ऊपर एक नए पौधे का विकास हो जाता है, उसको कहते हैं प्रकंद। तो अदरक, हल्दी, केला में प्रकंद द्वारा विकास होता है। ऐसे उसके बाद आता है घनकंद। घनकंद, जमीकंद, केसर और हल्दी। हल्दी आपने देखी होगी। तो हल्दी में क्या है, हल्दी के जो घनकंद होते हैं उसको कॉर्म कहेंगे, उससे नए पौधे का विकास हो जाता है। इसके बाद आता है सलकंद या बल्ब या प्याज। प्याज आपने देखी होगी, प्याज की आकृति बल्ब के जैसी होती है और जब उसको छीलते हैं तो उस पर सल्क पत्र निकलते हैं और उन्हीं सल्क पत्रों के बीच में जो छोटा सा एक सल्क पत्र होता है उससे नए पौधे का विकास हो जाता है। आपने देखा होगा यदि प्याज को रख दिया जाए तो उसमें से नई कलिकाएँ विकसित होने लगती हैं। तो ऐसे ही सल्क कंद या बल्ब जो प्याज होती है उससे नए पौधे का विकास हो जाता है। इसके बाद आया आलू कंद। जैसे मैंने आपको बताया आलू क्या है, तना है। तो अभी मैंने बताया कि अगर आलू को यदि बो दिया जाए तो उससे नए पौधे का विकास हो जाता है। तो आलू द्वारा, आलू एक तना है और उससे नए पौधे का विकास होता है, यानी कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। इसके बाद आता है अंतःभूस्तरी, इंग्लिश में इसको कहते हैं शकर। अंतःभूस्तरी यानी जमीन के अंदर रहने वाले, भूमि के अंदर रहने वाले। तो भूमि के अंदर रहने वाले से पुदीना है, पुदीने की जड़ जो होगी
वो क्या हुआ, पुदीना अपने आप में एक तना है और उसकी जड़ नीचे विकसित होती हैं, तो जो उसका तना है वो नीचे अंतः भूस्तरी रहता है और उसी से उसी तने को नई जगह नई भूमि में लगा दिया जाता है और फेवरेबल कंडीशंस आने पर या अनुकूल परिस्थितियां आने पर वही तना पुदीना एक नए पौधे का विकास करता है। ऐसी गुलदाउदी में होता है, गुलदाउदी का यदि तना अंतः भूस्तरी तना अगर लगा दिया जाए जो ज़मीन के अंदर तना होता है तो नए गुलदाउदी के पौधे का विकास हो जाता है। इसके बाद आता है ऊपरी भूस्तरी या रनर, तो भूमि के अंदर जो थे वो अंतः भूस्तरी थे और भूमि के ऊपर जो थे वो ऊपरी भूस्तरी या रनर, जैसे दूब घास, उसको बायोलॉजी की भाषा में सायनाडॉन कहते हैं। तो दूब घास जो है इसमें भी ऊपरी भूस्तरी जो तने होते हैं उनसे ही नए पौधों का विकास होता है। जैसे घास लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उसको केवल पानी देने की और फेवरेबल कंडीशंस की अनुकूल परिस्थितियों की ज़रूरत होती है और दूब घास हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ये ऊपरी भूस्तरी रनर वेजिटेटिव या कायिक प्रवर्धन होता है। ऐसी खट्टी बूटी होती है, खट्टी बूटी में घास होती है जिसमें क्या है, अगर यदि ये कहीं हो जाए तो ये फैलती चली जाती हैं अगर इनको अनुकूल परिस्थितियाँ मिल जाएँ तो। उसके बाद है पत्रकलिकाओं द्वारा, पत्रकलिकाओं जैसे बल्बिल्स, बल्बिल्स में क्या है इस तरीके से, एक मान लो ये रतालू का पौधा होता है और ये बल्बिल्स यहाँ निकल गया और इसी बल्बिल्स द्वारा ये जो बल्बिल्स होता है इससे नए पौधे का विकास हो जाता है। इसके बाद पत्तियों द्वारा, पत्तियों जैसे अजूबा, अजूबा की पत्ती होती है, इस प्रकार से अजूबा की पत्ती होती है, तो इसी पत्ती के ऊपर नई पत्तियों का विकास हो जाता है और ये पत्ती जब टूटकर गिरती है ज़मीन पर तो इसे अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर ये नए पौधे का विकास करती है। इस तरीके से पौधे के ऊपर ही जो पत्ती होती है उन्हीं पत्तियों पर से नई पत्तियों का विकास होने लगता है और जब ये पत्ती यहाँ से टूटकर भूमि पर गिरेगी और अनुकूल परिस्थितियाँ जब इसको मिलेंगी तो ये पत्ती नए पौधे का विकास कर देती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के लाभ। अलैंगिक जनन में सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, एक ही जनक की या एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है। इसके बाद इसकी जो संतान होती है वो बिल्कुल इसके समान होती है, ये भी इसका लाभ है। और इसमें जैसे लैंगिक जनन में निषेचन, भ्रूण का निर्माण, जाइगोट का बनना, ये क्रियाएं जो होती हैं वो अलैंगिक जनन में नहीं होती, तो ये भी इसका लाभ है। यह एक लंबी प्रक्रिया नहीं है, छोटी प्रक्रिया है और इससे जो होने वाली संतान है वो तीव्र गति से बढ़ती हैं, तो ये भी इसका एक लाभ है। जैसे यदि कोई फसल है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से करेंगे तो उसके अंदर भ्रूण निर्माण, जाइगोट, ये सब प्रक्रियाएं नहीं होंगी और फसल जल्दी तैयार हो जाएगी, तो ये भी अलैंगिक जनन के लाभ हैं। इसके बाद अलैंगिक जनन की हानि, तो अलैंगिक जनन की हानि में क्या है, जैसे मैंने बताया कि इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है तो इसकी जो संतान होंगी वो इसके समान होंगी बिल्कुल, तो जब बिल्कुल संतान समान होगी तो इसके अंदर बिल्कुल भी विभिन्नता उत्पन्न नहीं होंगी। यानी जनक के समान होंगी, विभिन्नता बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होंगी, ये भी इसकी हानि है। और इससे जो संतान उत्पन्न होंगी, जैसे जैसे इसकी चयन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी संतान वीक होती चली जाएंगी, यानी संतति क्या होगी वो कमजोर होती चली जाएगी, ये क्या है, ये भी इसकी हानि है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में जैसे अलैंगिक जनन बताया था केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है, दो जनकों की आवश्यकता होती है जिसमें मादा और नर दोनों अलग अलग होंगे। मादा और नर दोनों अलग अलग होंगे और मादा नर अलग अलग होने के बाद मादा में मादा युग्मक बनेंगे और नर में नर युग्मक बनेंगे, यानी फीमेल में फीमेल गैमिट बनेंगे और मेल में मेल गैमिट बनेंगे और दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा जिससे नई संतान की उत्पत्ति होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। लैंगिक जनन घटनाओं में जैसे मैंने बताया युग्मक जनन होता है,
मादा में मादा युग्मक बनते हैं और नर में नर युग्मक बनते हैं। इस प्रक्रिया को, इन युग्मकों की बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? युग्मक जनन या गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। ये अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे अभी। तो गैमिट के बनने के या युग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? गैमिटोजेनेसिस कहेंगे। जो मादा में मादा गैमिट बनेंगे और नर में नर गैमिट बनेंगे। इसके बाद निषेचन, यानी जो गैमिट बने मादा में, इसमें बने फीमेल गैमिट, और मेल में बने मेल गैमिट। इन दोनों के मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। यानी फीमेल गैमिट और मेल गैमिट, दोनों गैमिट के मिलने की प्रक्रिया को कहेंगे निषेचन या फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन जैसे जलीय जीव और उभयचर, इनमें होता है बाह्य निषेचन। यानी बाह्य निषेचन का मतलब है जीव के शरीर से बाहर निषेचन होता है, एग भी बाहर होता है और स्पर्म भी बाहर होते हैं, और दोनों का निषेचन पानी में होता है, जिसे कहेंगे बाह्य निषेचन। और दूसरा है आंतरिक निषेचन, इसका मतलब है शरीर के अंदर गैमिट बनते हैं और वहीं निषेचन होता है। यानी एग जो बनेगा वो शरीर के अंदर बनेगा और स्पर्म फीमेल के अंदर, फीमेल के जो बॉडी पार्ट्स होंगे, सेक्स ऑर्गन्स होंगे, उनमें जाएंगे और वहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा, उसको कहेंगे आंतरिक निषेचन। यानी जीव की शरीर के अंदर ही जो निषेचन होगा उसको कहेंगे आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद है युग्मनज। युग्मनज कहते हैं जाइगोट को, जाइगोट। यानी निषेचन के बाद, जैसे जब निषेचन होगा तो निषेचन के बाद जब ये विकसित होगा तो निषेचन होने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद ये भ्रूण में विकसित हो जाएगा और इसी भ्रूण से नई संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ा, आज हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा, उसके बाद अलैंगिक जनन के लाभ पढ़े, अलैंगिक जनन के हानि पढ़ी, लैंगिक जनन पढ़ा, लैंगिक जनन कुछ घटनाएं, युग्मक जनन, निषेचन, युग्मनज पढ़े। आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आ गए होंगे, और इससे संबंधित जो PDF है वो आपको भेज दिया जाएगा, इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी आपको भेज दी जाएगी।